गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज है संडे, रविवार। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज कुछ विशेष ब्लॉग आपको दूंगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तो मनोरंजन करिए। तो दोस्तों, मैं भवाली की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज संडे है तो 4-5 किलोमीटर पैदल चलूँगा, उसके बाद भवाली पहुँचूँगा। तो दोस्तों, हर डे मैं आपको नए नए ब्लॉग देने का प्रयास करता हूँ, और आपका सपोर्ट भी मुझे मिलता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे किस तरीके के ब्लॉग देने चाहिए, क्या आप देखना चाहते हैं। अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, गर्मी में जो है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कल कैची में बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत भीड़ थी निमकोली महाराज जी के दर्शनों के लिए। और आप सातताल में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने लग गया है, बनताल में भी रॉक क्लाइंबिंग हो रही है, स्विमिंग हो रही है। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर इन इलाकों में आए, पहाड़ों में सातताल, भीमताल, नकुचिया ताल, बहुत ही अच्छे इलाके हैं ये गर्मी के लिए। तो दोस्तों, पैदल चल रहा हूँ, अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आपका भी अगर YouTube चैनल है तो आप भी बताएं कि आपके YouTube चैनल पर कितने व्यूज आ पाते हैं और कितने सब्सक्राइब बढ़ते हैं। मेरे चैनल मोनेटाइज है, परंतु डॉलर से तो बहुत कम बनता है। अगर डॉलर सही बनता, आप लोगों का सपोर्ट होता, व्यूज अच्छे आते, तो डॉलर भी अच्छा बनता है दोस्तों। यूट्यूब में तो पर डे वीडियो मैं डालना चाहता हूँ, मैं पर डे वीडियो डालता हूँ, लाइव भी आता हूँ मैं, और शॉर्ट वीडियो भी पर डे डालता हूँ। तो दोस्तों, पैदल चल रहा हूँ, और आप लोगों में सभी बताएँ कि पैदल कौन कौन लोग चलते हैं। पैदल 3-4 किलोमीटर डेली चलना बहुत आवश्यक है शरीर के लिए, और कल तो मैं कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चल गया। भवाली से निंगलाट गया पैदल 4 किलोमीटर, फिर पैदल आए वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लग जा रहा है आजकल। आज भी संडे है, आज भी बहुत जाम रहेगा। तो देखते हैं, कुछ नया भी दिखा सकता हूँ आज आपको। दोस्तों, मॉर्निंग का समय है और आज संडे है, रविवार, सूर्यदेव का वार है आज। और मॉर्निंग में सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, और सूर्यदेव की किरणों में जो होता है धूप सेकने से हमें विटामिन डी मिलता है, इससे जिससे हड्डियाँ सही रहती हैं। तो हमें सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए प्रातःकाल, देख रहे हैं किस तरीके से उदय हुए हैं पूरब से, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ का। उत्तराखंड, नैनीताल, भवाली, तिरछाखेत का आप देख रहे हैं, कुरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, आप देख रहे हैं जिन इलाकों में कुरी ज़्यादा होती है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, तो ये छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया, कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। अभी लाइव भी आऊँगा दिन में, तो बने रहें लाइव वीडियो में भी। और दोस्तों, इस पौधे को कौन कौन जानता है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देख रहे हैं नुकीली, इसमें वो नुकीले वो होते हैं, देख रहे हैं कांटे, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होता है। इस पौधे का नाम क्या है ज़रूर बताएँ कॉमेंट बॉक्स में, कौन कौन लोग जानते हैं इस बारे में। और यह है दुकान, देख रहे हैं तिरछाखेत की, यह है रोड तिरछाखेत की, और सामने दुकान है इनकी, बिष्ट जी की। अब पेप्सिया वगैरह भी आने लग गई, क्योंकि गर्मी के दिन आ चुके हैं। दोस्तों, देख रहे हैं हरियाली, ठंडी ठंडी, आम का पेड़ है आप देख रहे हैं ये।